हेलो बच्चों, तो अब हम इस वाले सेशन के अंदर सिलेबस देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 9th का सिलेबस है। मतलब एंट्रेंस कैसे क्लियर करें, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसके टिप्स और कैसे हम उसको फॉलो करें कि हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम क्लियर हो जाए और वो एंट्रेंस टेस्ट हम पास कर जाए। ठीक है, हालांकि ये वीडियो मुझे पहले डालनी चाहिए थी सिलेबस से रिलेटेड, तो किसी वजह से मैं नहीं डाल पाया था, तो मैंने स्टॉप करके क्वेश्चन पेपर को मैंने ये सिलेबस की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप समझिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, मतलब कितने घंटे का रहता है पेपर, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती है, एक क्वेश्चन सही करने पर कितने उसको मतलब मार्क मिलते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों को पता नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो बेचारे गलती करके आ जाते हैं। तो इट्स ओके, तो मैं वो जो गलती है वो दूर करने के लिए आया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहले देखिए आप टोटल क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कितने होते हैं हमारे 100। आप याद रखिएगा जो टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, जो ये 100 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज, यानी कि 8 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे फर्स्ट से लेकर के 8 तक, जो हमारे मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट है हमारे, इंग्लिश हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, ठीक है, जीके हो गई, ये सारी चीज मतलब इतने सब्जेक्ट में मिला करके 100 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली 20 क्वेश्चन इसके होते हैं 20 क्वेश्चन उसके होते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग मतलब क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बढ़ते घटते रहते हैं, यानी कि अगर बायो के मान लीजिए 25 भी आ सकते हैं 30 भी आ सकते हैं, इसी तरीके से मैथ्स तो सारे मिक्स रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन रहते हैं हमारे 100। टोटल टाइम जो रहता है याद रखिएगा एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट होता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, 2 आवर्स का। ठीक है, टोटल मार्क कितना रहता है 100। इससे हमें एक चीज ये पता चली कि एक क्वेश्चन एक नंबर का हुआ, कितने नंबर का हुआ, एक नंबर का हुआ। ठीक है, अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, करेक्ट आंसर करने पर हमें +1 मिल जाता है। तो अगर आपको एंट्रेंस पेपर में क्लास 9th के क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको टिक करके आना है, आशा करिए मतलब कोशिश करिए कि वो सही हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, बाय चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चन फंस जाता है, समझ में नहीं आता है, तो उस वक्त आप टिक कर सकते हो, मतलब अंदाजा लगा करके कर सकते हो, बट ये कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन गलत नहीं हो, सही हो। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी बात है, करेक्ट आंसर पर +1 होता है। मीडियम ऑफ पेपर यानी कि लैंग्वेजेस, मीडियम ऑफ पेपर का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेजेस, किस किस लैंग्वेज में आता है, तो ये मोस्टली 2 लैंग्वेज में आता है, एक तो हो गया हमारा हिंदी और एक हो गया इंग्लिश। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस प्लस जीके, सोशल साइंस के साथ जीके आ गए। ठीक है, इंग्लिश हो गया बायोलॉजी, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द मतलब ग्रामर से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड ये सारी चीजें आ जाती है, तो हम 1 by 1 इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, बुक के लिए मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी जो आपकी 8th की एनसीईआरटी है वो पढ़नी है अच्छे से, वो पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, बहुत अच्छी बुक रहती है एनसीईआरटी की, वो आपको अच्छे तरीके से करनी है। देखिए उसके बाद आर एस अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद CHS गाइड, अरे बहुत प्यारी बुक है, मैं आपको ये वाली बुक जो है बहुत प्यारी बुक है, इसके अंदर और भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, अरिहंट की है, बहुत अच्छी बुक है, आपको ये कोई भी स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैथ्स के लिए हुआ। देखिए मैथ्स में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम रहता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो मैथ्स के लिए क्या होता है, एक तरीके से अगर आप ट्राई नहीं करेंगे उसको, डरेंगे तो वो नहीं होगा, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की,
तो इसके लिए बुक जो लिख रखी है मैंने एनसीईआरटी एंड नोट्स। देखो एनसीईआरटी जो है ना, मैंने एनसीईआरटी को टॉप पे इसलिए लिखा हुआ है, वो जो हमारी एनसीईआरटी होती है उसके अंदर, हालांकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत अच्छी बुक रहती है एनसीईआरटी की, जो हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नोट्स का मतलब क्या हुआ, जो आप पढ़ रहे हो उसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको वो चीज याद रहेगी कि हमें ये पढ़ा था हमने, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल साइंस बुक, एनसीईआरटी हो गई, लुसेंट जीके, यानी कि लुसेंट की एक जीके आती है, बुक अच्छी है। करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स में आप क्या करिएगा, जो मेन मेन पॉइंट है हमारे इंडिया से रिलेटेड, उनको आपको लिख लेना है और उनको लर्न करना है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो उनमें करना क्या है आपको, या तो न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर बहुत अच्छी चीज है, आप उसको रोज पढ़िए, उसमें जो पॉइंट लगता है कि इंडिया से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है, तो उसको आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर, वो आपके नोट भी बनेंगे और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, और वो फायदा भी देगा आपको एग्जाम में। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है, ग्रामर के लिए आप कोई बुक ले सकते हो, वोकैबुलरी के लिए एलिहंट की, जो मैंने पहले बताई थी आपको, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, बायोलॉजी के लिए देखिए एनसीईआरटी और नोट्स। देखो नोट्स आप जो बनाते हो ना, मैं बताता हूँ क्या होता है नोट्स के लिए, जब आप लास्ट में क्या होता है, जब आप तैयारी करने बैठते हो, ठीक है, लास्ट में इतना टाइम तो रहता नहीं है कि हम बुक पढ़ सके, तो हमने जो नोट्स बना रखे हैं ना, उससे हमें आइडिया लग जाता है, हाँ हमने ये पढ़ा था, और पढ़ने के बाद हम जब उसको लर्न करते हैं तो हमारे सारी चीजें स्विच होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा फायदा होता है उसके अंदर। तो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। तो फुल्ली आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, जितना मैंने ये बताया, आप इस टिप्स और ये जो मैंने बुक्स बताई हैं इसको आप एक बार पढ़िएगा और ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक्स है अरियन की, उसके अंदर आपको तीन चार सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। तो इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।